राज्य सरकार द्वारा विधायकों को अपने विधानसभा क्षेत्र में जिला परिषद के माध्यम से 5 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए फंड जारी किया जाता है। इसमें सबसे ज्यादा रामगंज मंडी के भाजपा विधायक मदन दिलावर ने लगभग 300 लाख रुपए खर्च किए हैं, जबकि लाडपुरा विधायक कल्पना देवी अपने विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम 162 लाख रुपए खर्च किए हैं। जिला परिषद सीईओ ममता तिवारी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा एमएलए लैंड स्कीम के तहत जिला परिषद के माध्यम से विधायकों को 5 करोड़ रुपए का फंड जारी किया जाता है, लेकिन वित्तीय वर्ष 2020 से 2021 में राज्य सरकार द्वारा 3 करोड़ रुपए कोविड-19 के लिए रख लिए गए थे और 25 लाख रुपए अपने विधानसभा क्षेत्र में आटे के बैग वितरण के लिए स्वीकृत किए थे, जबकि 75 लाख रुपए अन्य कार्यों के लिए और 1 करोड़ रुपए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने थे। ऐसे में वित्तीय वर्ष 2020 से 2021 में कोटा दक्षिण से विधायक संदीप शर्मा के बजट से 192 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। कोटा उत्तर से विधायक व मंत्री शांति कुमार धारीवाल के विधानसभा क्षेत्र में 8 कामों की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई थी, जिसमें से 5 कार्य पूर्ण हो चुके हैं और 1 कार्य प्रगति पर है। अब तक 191 लाख रुपए एक्सपेंडेशन हो चुके हैं, जबकि भाजपा से लाडपुरा विधायक कल्पना देवी ने वित्तीय वर्ष में 92 कामों की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई थी, जिसमें से अब तक 24 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, 19 कार्य प्रगति पर हैं। ऐसे में 162 लाख रुपए विधायक द्वारा खर्च किए जा चुके हैं, जबकि पिपलदा विधानसभा क्षेत्र से विधायक राम नारायण मीणा द्वारा 78 कामों की विशेष स्वीकृति जारी की गई थी, जिनमें से 54 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, 15 कार्य प्रगति पर हैं। राम नारायण मीणा द्वारा अपने विधानसभा क्षेत्र में 227 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं। वहीं सांगोद विधायक भरत सिंह द्वारा 104 कामों की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई थी, उसमें से 41 काम पूर्ण हो चुके हैं, 23 कार्य प्रगति पर हैं और 262 कार्य विधायक द्वारा अब तक अपने विधानसभा क्षेत्र में खर्च किए जा चुके हैं। जबकि रामगंज मंडी विधायक मदन दिलावर ने अपने क्षेत्र में 23 कामों पर 300 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं। मदन दिलावर के विधानसभा क्षेत्र में 83 कामों में से 44 कार्य पूर्ण हो चुके हैं और 29 कार्य अभी भी प्रगति पर हैं। जिला परिषद में एमएलए लेड स्कीम के तहत प्रत्येक माननीय विधायक महोदय को 5 करोड़ का फंड अलॉट किया गया है, जिसमें से इस वर्ष राज्य सरकार द्वारा वैक्सीनेशन के लिए 3 करोड़ का फंड रख लिया गया था, जिसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा घोषणा करके और वो भी अभी रिलीज किया जाएगा। माननीय मंत्री महोदय श्रीमान शांति धारीवाल साहब के 8 कामों की FS निकली है, जिसमें 455 लाख रुपए खर्च होने थे, 5 कार्य पूरे हो चुके हैं, 1 प्रगति पर है, 191 लाख रुपए एक्सपेंडिचर हो चुके हैं। श्रीमान मदन दिलावर जी जो रामगंज मंडी से विधायक है, उनकी वित्तीय स्वीकृति 83 कामों की निकाली गई है, जिसमें से 44 कार्य पूरे हो चुके हैं, 29 प्रगति पर हैं और 300 लाख रुपए एक्सपेंडिचर हो चुके हैं। जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी ममता तिवारी का कहना है कि कुल मिलाकर जिले में अब तक 389 कार्यों की SSC जारी की जा चुकी है, जिनमें से 175 काम पूर्ण हो चुके हैं और 94 कार्य अभी भी प्रगति पर है। इन सब पर जिले के अंदर 1337 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। इस प्रकार अगर पूरे जिले का टोटल देखें तो 389 कामों की FS यहां से जारी की गई है, 175 काम पूर्ण हो चुके हैं, 94 अभी प्रगति पर है और 1337 लाख रुपए एक्सपेंडिचर हो चुके हैं। शेष 3-3 करोड़ पर विधायक अभी प्राप्त होने पर उनकी अनुशंसा के अनुसार कार्य करवा दी।